नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। और आप सब देख रहे हैं मेरे साथ खबर दिनभर। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में सोजत सिटी की, जहां पर सोजत सिटी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण महीने कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत अटबड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 5 पर सेक्टर स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीडीपीओ आलोक शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में केंद्र से जुड़ी गर्भवती महिलाओं और नव प्रवेशित बच्चों का स्वागत किया गया। साथ ही पोषण माह की गतिविधियों के बारे में भी समस्त नागरिकों को जागरूक किया गया। सरपंच निर्मा और अन्य महिलाओं के द्वारा गोद भराई की गई, साथ ही नव प्रवेशित बालिका दीक्षिता का प्रवेश उत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसके तहत उसका माला पहनाकर मुंह मीठा करके सम्मान किया। साथ ही साथ पाठ्य सामग्री भी प्रदान की गई। सोजो सिटी से नथाराम बुराणा की रिपोर्ट। खबर नागौर से है, जहां पर जिले में लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा में बैठे पुलिस कर्मियों को राहत मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 61 हेड कांस्टेबल ने एएसआई पद पर प्रमोशन के लिए इंटरव्यू हुए, जिसमें अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश मनोनीत, सदस्य एसपी राममूर्ति जोशी और सदस्य सचिव नागौर एसपी नारायण टोगस ने साक्षात्कार किए। इन 16 से 5-9 पद सामान्य अभ्यर्थी के हैं। आपको बता दें कि 2016-17 की पदोन्नति परीक्षा में लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं। याचिका के चलते एसआई हेड कांस्टेबल पदों पर पदोन्नति करीब 8-9 साल से रुकी हुई थी। लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने पर रिक्त पदों से राहत तो मिलेगी, लेकिन इसी के साथ ही रिक्त पदों पर भर्ती भी कराई जाएगी। नागौर डिडवारा जिले में पुलिस के रिक्त पद भारी परेशानियों का सबब बने हुए हैं। आपको बता दें एएसआई के स्वीकृत पदों की संख्या 292 है, जबकि इस समय केवल 25 एएसआई पद पर कार्यरत हैं। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांगकावत की रिपोर्ट। बेसिकली ये पिछले 10 वर्ष से नागौर पुलिस के जो प्रमोशन का जो मामला था वो अटका हुआ था, तो अब ये मामला कोर्ट में चले गए थे लोग, बाकी उसको सेटल करके आज हम करीब 16 सहायक उप निरीक्षक को पदोन्नति आज प्रदान कर रहे हैं। और इसमें जो भी इन्होंने किया, बाकी जितने बोर्ड जो अटके हुए थे, ये सारे बोर्ड को हम रेगुलर पदोन्नति करेंगे इनकी, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा काम जो था नागौर जिले के हेड कॉन्स्टेबल एएसआई टू सब इंस्पेक्टर, तो वो समस्या ये आ रही थी बेसिकली अनुसंधान अधिकारी की कमी थी। तो इस पदोन्नति के बाद में जो अनुसंधान अधिकारी कमी पूर्ति होगी और पुलिसिंग में और ज्यादा बेहतर सुधार होगा, पेंडेंसी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। अयोध्या हर थाने में एएसआई सब इंस्पेक्टर मिलेंगे तो वो आपकी कमी भी दूर होगी। लेकिन ये लंबे समय से 10 साल तक पदोन्नति में मिलना बड़ा सुखद अनुभव नहीं है, तो अब इसके प्रयास किए हैं, आज से फिर हम कोशिश करेंगे इसी महीने बाकी जितनी भी जो पेंडेंसी जो रही है, जितने पदोन्नति नहीं हो पाई, एसपी साहब ने तुम्हें रिकॉर्ड को तैयार किया है, तो हम इनके सभी की पदोन्नति शीघ्र करवाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, मरकर भी वो कभी नहीं मरता, वतन पर जो जान इसा करता है। सूर्य नगरी जोधपुर में आज परमवीर चक्र शहीद अब्दुल हमीद का शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वीर अब्दुल हमीद के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी बुझावड़ के सभागार में व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि सभा में शहर के कई प्रबुद्धजन, शिक्षणगढ़, आर्मी, एयरविंग और स्काउट से जुड़े पदाधिकारियों और स्टूडेंट्स ने उनकी प्रतिमा को सलामी पेश की। परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद मौसूदी के शहीद दिवस पर कर्नल इंद्रशीष खान ने युवा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब परिवार में जन्म लेने और 8वीं तक की शिक्षा हासिल करने के बावजूद वीर अब्दुल हमीद ने हिंदुस्तान की तारीख में अपनी बहादुरी, साहस और बलिदान के बल पर 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग में दुश्मनों के 6 टैंक उड़ाकर वो कारनामा अंजाम दिया, जो कि युद्धों के इतिहास में बेमिसाल साबित हुआ। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज 10 सितंबर है, आज ही के दिन सन 1965 में भारत पाकिस्तान जंग के बीच कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद और ग्रेनेडियर्स ने अपनी बहादुरी का जो कारनामा करके दिखाया था, खेमकरण असल उत्तर पंजाब के क्षेत्र में, वो काबिले तारीफ ही नहीं बेमिसाल भी है। अपनी एक RCL गन से उसने दुश्मन के अभेद्य समझे जाने वाले पैटर्न टैंकों को नेस्ता नाबूद कर दिया था और अपने प्राणों की आहुति दी थी, सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसकी याद आज हम मना रहे हैं इस वक्त। और ये शहादत हमें प्रेरणा देती है, हमारे आने वाली नस्लों को ये प्रेरणा देती है कि हम भी उस तरह के काम अपने देश के लिए कर सकते हैं
जो कि हमें लगता है कि बहुत मुश्किल या नामुमकिन होते हों। मौलाना अब्दुल हमीद की शहादत इस बात की गवाही है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में भी और आज़ादी के लिए भी मुसलमान हमेशा शाना से शाना मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर काम करते रहे हैं। हमें इस मुल्क में अमन भाईचारे के लिए हमेशा काम करते रहना है। अजमेर रेंज महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अहम जानकारी साझा की। डीआईजी ने बताया कि अब से मादक तस्करों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। जिस तरह बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, वैसे ही अब ये एक्शन भी लिया जाएगा। राजस्व विभाग और पुलिस की टीमों ने एक एक कर तस्करों की संपत्ति, बैंक खातों की सूची तैयार की है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से संपत्ति अर्जित की जाएगी। अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश ने प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर अजमेर, नागौर और टोंक पुलिस अधीक्षक को निर्देशित कर दिया है। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। जितने भी जो मादक पदार्थ के जो बड़े तस्कर हैं, विशेष रूप से इसमें बात को बताता हूँ कमर्शियल क्वांटिटीज के, तो हमने 2017 के बाद जो भी कमर्शियल क्वांटिटी के जो बड़े तस्कर हैं रेंज में, उन सबको चिन्हित किया है। और उसमें रिपीट ऑफेंस वाले हैं जो एक बार, दो बार, तीन बार जिनके मुकदमे हैं, उनकी सूची तैयार की और रेंज के सभी एसपी को भेजी। और उसमें मुकदमा अपनी जगह है, लेकिन तस्कर के परिवार की, उसके निकट रिश्तेदार की, संबंधी की, निकट सहयोगी जो भी संपत्ति है, उसको हम 68F एनडीपीएस एक्ट में पूर्व करने की कार्रवाई करवा रहे हैं और उनके खिलाफ इस एनडीपीएस के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में तैयार किए, ताकि जो संपत्ति उसने या उसके परिजनों ने तस्करी के माध्यम से अर्जित की है, उस संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। और साथ साथ जो नई पकड़ में आए उनके खिलाफ इनाम घोषित कर रहे हैं और कोशिश ये है कि उनको केस ऑफ सेक्स में लेकर के और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन के साथ कन्विक्शन कराया जाए। कन्विक्शन के अलावा और कोई कारण नहीं, कन्विक्शन एंड दूसरा उसकी संपत्ति को अटैच कराना, दो ही तरीकों पे हमने काम किया है। खबर जोबनेर आसलपुर से है, जहां पर श्री पीपली वाले इच्छापूर्ण बालाजी आसलपुर मंदिर से भव्य तरीके से बंधे बालाजी की द्वितीय निशुल्क विशाल पद यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह ही शुरुआत मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिसके बाद भक्तों ने नाचते गाते हुए पद यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के दौरान भक्तों का उत्साह बरसात के बावजूद अत्यंत उत्साहजनक था। बीच रास्ते में यात्रियों की सुविधा के लिए अल्पाहार की विशेष व्यवस्था की गई थी। यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। यात्रा का समापन भगवान बालाजी के भव्य दर्शन के साथ हुआ, जहां भक्तों ने भगवान का आशीर्वाद लिया। आसलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां मंगलवार को दिन दहाड़े सड़क किनारे पर रास्ता अवरुद्ध करते हुए धर्मस्थल की आड़ में मजार बनाकर किए जा रहे हैं। अवैध कब्जे को हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हटा दिया। पुलिस और प्रशासन ने कब्जाधारियों के समक्ष समर्पण करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर आक्रोशित हिंदू जागरण मंच सहित विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं मजार बनाकर किए जा रहे अवैध कब्जे को हटाया है। हिंदू जागरण मंच के राजीव शर्मा ने बताया कि पुरानी आबादी थाने के सामने की तरफ लगभग 50 मीटर की दूरी पर सड़क के बीच में मजार बनाकर अवैध कब्जा किया जा रहा था और इससे क्षेत्र के सौहार्दपूर्ण वातावरण तथा शांति व्यवस्था को भी खतरा उत्पन्न हो रहा था। इस मामले पर गंभीरता को देखते हुए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा उक्त अवैध निर्माण को हटाया गया और निर्माण कार्य बंद करवाया गया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसोरी की रिपोर्ट। अब खबर पिंक सिटी जयपुर से है, जहां पर राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ यानी कि भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा जयपुर डिस्कॉम की नई प्रबंध निदेशक आरती डोगरा से मुलाकात हुई। महासंघ ने जयपुर डिस्कॉम एमडी डोगरा को कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बता दें चले कि मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं से एमडी को वाकिफ करवाया। संगठन के प्रयासों नवनिर्मित क्रेच भवन को जल्द ही संचालन के लिए पत्र भी दिया। संघ ने ओपीएस के मुद्दे पर एमडी से विस्तार में चर्चा भी की। प्रतिनिधि मंडल में मधुसूदन जोशी, अखिल भारतीय अध्यक्ष योगेश सक्सेना सदस्य, सुशील सेन, महामंत्री अजय सक्सेना, कार्यालय मंत्री, डिस्कॉम अध्यक्ष गोविंद पालीवाल, महामंत्री हेमंत त्रिवेदी सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जयपुर से अमित सिंह की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।